हैकर हैकर हैकर, अगर आप इस बंदे को नहीं जानते तो मैं बता दूं, ये कुछ ही टाइम में फ्री फायर का भगवान बन गया है। भगवान के साथ साथ इसने कुछ ऐसे ऐसे चमत्कार दिखाया है जिससे 9 साल की पब्लिक इसकी फैन हो गई, और फैन नहीं बल्कि 9 साल की पब्लिक ने इसकी पूजा करनी शुरू कर दी है। और ये बंदा अब ऐसे दलदल में फंस चुका है जहाँ ये नीचे तो धस सकता है पर ऊपर कभी नहीं आ सकता। अब मैं आपको इसके ऐसे ऐसे चमत्कार से रूबरू कराऊंगा जिससे आपका इस दल से अलग हो सकता है। तो मैं चीज़ आप लोगों को बताने वाला हूँ वो इसकी लाइव स्ट्रीम में पकड़े जाने वाले हैक या फिर आप बोल सकते हो मोड़ के बारे में मैं आपको बिल्कुल नहीं बताना चाहता हूँ। जहाँ आजकल बच्चा बच्चा वन टैप मार सकता है वहीं पे सीट अप ब्लू वॉल भी लगा सकता है, और जो इसके सामने बंदे खड़े होते हैं वो पता नहीं कौन सा नशा करते हैं, उनको पता ही नहीं होता कि मेरे सामने कोई वाइट 444 नाम का बंदा भी है। देख सकते हो यार, इसके सामने बंदे खड़े रहते हैं, सीधे खड़े रहते हैं, और ये आपको बताने की जरूरत नहीं है कि सीधे में कितनी जल्दी वन टैप लगता है या फिर ड्रैग लगता है। और ये स्क्रिप्टेड कस्टम यूज़ करता है, स्क्रिप्टेड मतलब ये बंदों को बता के रखता है कि तुमने यहाँ खड़े रहना है, यहाँ खड़े रहना है। देख सकते हो आप कि ये कितना ही स्क्रिप्टेड कस्टम यूज़ करता है कि मतलब सबको बता के कि भाई तूने यहाँ खड़े रहना है, तूने वहाँ। आजकल 9 साल की पब्लिक भी जानती है कि यार वन टैप मारना है सीधे खड़े वाले बंदे पे कितना इजी हो चुका है, और इसके कस्टम में भर भर के ऐसे नशेड़ी आते हैं जो भाई सीधे खड़े रहते हैं, सीधे ही खड़े रहते हैं और वन टैप ये मार देता है। चलो भाई ये तो ही अलग बात, अब मैं इसकी एक और चमत्कार के बारे में बताने वाला हूँ जो कि है ग्लिच फाइल्स। ये यार ग्लिच फाइल्स का यूज़ करता है क्योंकि इसके पास इतने रेयर रेयर बंडल नहीं है, जो आज तक फ्री फायर में बंडल बने ही नहीं है वो भाई इसकी वॉलेट में इतने भरे पड़े हैं। मतलब यार ये देखो एंजेलिक पेंट, क्या ये मेले में से लाया था या इसको पापा ने इसको बर्थडे पर गिफ्ट करी थी? ये देखो गाइस बनी वाला बंडल, जैसे इसके खेत में कोई खरगोश गाजर खाते हुए पकड़ा गया और इसने उसकी मुंडी काट के अपने सिर पे चिपका ली। फिर भी 9 साल की पब्लिक किसको सपोर्ट करेगी? वाइट 444 को। 9 साल की पब्लिक का भगवान कौन है? वाइट 444। 9 साल की पब्लिक का चहेता कौन है? वाइट 444। वैसे भी यार ये हुई अलग बात, और जो मैं बात बताने वाला हूँ कि मैं किसी को भी हेट नहीं देना चाहता हूँ, बस यार इसको एक्सपोज करना था क्योंकि मैं भी इसको यार बहुत पहले देखता था कि मैंने भी इसके जैसे वन टैप सीखने हैं, पर जब इसके बारे में मुझे पता चला तो यार मुझे लगा कि मैं अपनी जगह सही हूँ। और यार तुम भी यार इंडियन फ्री फायर कम्युनिटी वाले पीपल को सपोर्ट करा करो यार, ऐसे बाहर वाले बंदों को नहीं, क्योंकि बहुत जल्दी अब सबका पर्दाफाश होने, सबका नहीं मतलब मेरा मतलब है कुछ कुछ प्लेयर्स का जो हैक और मोड यूज़ करते हैं। बाकी यार जिसने अब तक वीडियो को लाइक नहीं करा है लाइक कर दो, चैनल को शेयर कर दो अपने फ्रेंड में, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही मत भूलना।